तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको YouTube के कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने ऑन रखा होगा। वैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, तो अगर आपने ये सेटिंग को ऑन रखा है तो या फिर आपके चैनल पर ये सेटिंग्स अगर ऑन है तो कोई भी ये जान सकता है कि आपने किन किन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने और किन किन का चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है अपने इस वाले अकाउंट से। तो ये कैसे हो सकता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब कैसे बंद कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही जो दूसरा सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर कोई चाहे तो आपके चैनल पर जाकर ये चीज़ कोई भी देख सकता है, कोई भी चाहे तो आपके चैनल पर जाकर देख सकता है कि आपने किन किन वीडियोज़ को लाइक करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ को आप कैसे बंद कर सकते हैं अपने चैनल पर, ये मैं बहुत लोगों का देखा हुआ है कि उनके चैनल पर लाइक वीडियो सामने शो होता है उनके प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और उन्होंने कौन कौन से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है वो भी उनके चैनल्स के सेक्शन में शो होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस बारे में जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं वो कौन कौन सी दो सेटिंग्स हैं। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना यूट्यूब एप्लीकेशन गूगल ओपन फोल्डर ड्राइव यूट्यूब। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है यूट्यूब नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पर वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, हम जानने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शंस और प्लेलिस्ट को प्राइवेट कैसे रखना है, मतलब कि कोई भी आपके सब्सक्रिप्शंस को भी ना देख सके, मतलब आपने किन किन चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और आपके प्लेलिस्ट को भी ना देख सके। लाइक वीडियोस का भी एक प्लेलिस्ट होता है, तो वो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना अकाउंट के ऑप्शन पे। टू सर्च अकाउंट। अकाउंट के ऑप्शन पे हमें सिंपली जाना है। अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे जाएंगे हम तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले क्लोज बटन आएगा अकाउंट एंड फिर चैनल का नेम स्विच अकाउंट्स सर हैंड ऑन 98। तो ये हमारे चैनल का नेम एंड उसके बाद स्विच अकाउंट और हमारा ईमेल आईडी, उसके बाद योर चैनल मैनेज योर गूगल अकाउंट मैनेज गूगल अकाउंट। तो हमें यहाँ योर चैनल पे जाना है यूट्यूब नेविगेट अप योर चैनल पे हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पर हमें हमारे चैनल का पेज पर सीधे यूट्यूब रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप सेम प्रोसेस को अपने क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन में जाइए, ये ज़्यादा इजी होता है। तो इसके आगे हमें अपने चैनल के सेटिंग्स में जाना है, तो यहाँ पर हम स्वाइप करते भी जा सकते हैं वीडियोस प्लेलिस्ट्स इस तरह से भी हम जा सकते हैं, फिर हम सीधे अपने स्क्रीन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे चैनल का नेम बोलता है। जैसे कि इस वक्त मैं अपने चैनल पर हूँ, यहाँ पर मेरे चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं, इस वक्त जीरो सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल सेटिंग्स, तो यहाँ पर आ रहा है चैनल सेटिंग्स, इसके ठीक बाद चैनल सेटिंग्स पर हम जाएंगे एंड देन चैनल सेटिंग्स पर आ जाने के बाद यहीं पर हमारे पास वो सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो आगे सर्च करते हैं, चैनल सर्च एड अ चैनल नेम एड अ डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया चैनल का डिस्क्रिप्शन। प्राइवेसी, अब यहां से हमारा सेटिंग स्टार्ट होता है वो दोनों। कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट। कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट। ऑन है यहां पर, तो हमें इसे ऑन ही रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑन रखा हुआ है, तो अगर ये आपका ऑफ है तो आप इसे ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी डिफ़ॉल्ट में ये ऑफ ही हो आपके फ़ोन में। तो इस ऑप्शन को ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कोई भी आपके सब्सक्रिप्शंस को नहीं देख सकते, या फिर मैं या फिर कोई भी आपके सब्सक्रिप्शंस को नहीं देख सकता है, और उनके पास ईमेल भी नहीं आएगा, क्योंकि जनरली अगर आपका ये कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट ये चीज़ ऑफ है तो फिर आपका सब्सक्रिप्शन पब्लिक रहता है और ईमेल भी आता है हर सब जिनका जिनका आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके पास। तो आगे देखते हैं कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट। कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट, ये वाला ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन हमारा यही है कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट, तो ये भी हमारा ऑन है, हमें प्राइवेट ही रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने चैनल के लिए भी जितने प्लेलिस्ट बनाते हैं वो भी प्राइवेट रहेंगे, तो यहाँ पर आप जिनका प्राइवेसी पब्लिक पर सेट करेंगे वो पब्लिक हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम प्लेलिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें नेम के बाद एक उसका प्राइवेसी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि हमें अपने यूट्यूब वीडियोस में मिलता है अनलिस्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक। तो उसी तरह से हम यहाँ पर अगर हम पब्लिक रखते हैं अपने प्लेलिस्ट में तो ये हमारा पब्लिक में ही शो होगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के पेज पर शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। तो बस यही दो सेटिंग्स थे जो कि हमारे प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा
और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसलिए जाकर जुड़ सकते हैं। और वीडियो को अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप रिकॉर्डिंग।